कार्यक्रम की पुण्यार्जक हैं श्रीमती शशि लोहाड़िया धर्मपत्नी श्री अनिल लोहाड़िया मुरादाबाद, श्रीमती वर्षा जैन धर्मपत्नी श्री विकास जैन गुड़गांव, श्रीमती उमा जैन धर्मपत्नी श्री योगेश जैन गुड़गांव, राजकुमार जैन, मधु जैन, मनोज जैन, रूबी जैन, अजय जैन, पायल जैन, अक्षत जैन, अर्पण जैन, प्रेरणा जैन व आन्या जैन, श्रीमती रीटा जैन धर्मपत्नी श्री नरेश जैन, चंदरनगर, अजमेर। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन्हें धर्म प्रभाविका आरिका रत्न 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से तीर्थराज श्री समेद शिखर जी ने चतुर्विध संघ की आहार विहार पिच्छी कमंडल वस्त्र एवं शास्त्र इत्यादि की व्यवस्था विगत कई वर्षों से सुचारू रूप से की जा रही है। इस पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ उठा सकते हैं। सामान्य सदस्यता 21,000 रुपए मात्र, सदस्यता एक वर्ष के लिए 11,000 रुपए मात्र, एक दिन की आहार व्यवस्था 2100 रुपए मात्र। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 3840262185, IFS कोड SBIN00631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 02500500528, IFS कोड ICICI00250। दिन दिन बढ़ती नई उलझने सुलझ नहीं पाती हैं, दिन दिन बढ़ती नई उलझने सुलझ नहीं पाती हैं, हल होती हैं एक अगर तो चार नई आती हैं, हल होती हैं एक अगर तो चार नई आती हैं। देखो दुनिया भटक रही है, देखो दुनिया भटक रही है उलझन को सुलझाने में, और मिले त्याग से सही शांति जिनवाणी बतलाती है, जिनवाणी बतलाती है। यानी कहा है कि त्याग ही से जीवन बनता है। जब आदमी स्वस्थ रहता है तो शरीर में से विकृतियां निकलनी चाहिए। धन कमाते हो तो जो पाप किए हैं, धन में आरंभ किया उसकी विकृतियां भी निकलना चाहिए। और यदि आपने अनाज को भी देखा होगा, जब तक आप भूसा नहीं निकालेंगे, अग्नि में तपेगा नहीं, पकेगा नहीं धूप में, तब तक खाने के योग्य नहीं होता है। लेकिन उसके बाद भी चाहे गेहूं हो, चाहे चावल हो, चाहे चना हो, चाहे दालें हो, जब तक ऊपर का छिलका नहीं हटता है तब तक वो खाने योग्य नहीं होती हैं। और खाने के पहले फिर भी उन्हें धोना पड़ता है एक बार। इसी प्रकार से हमारे ऊपर जो मोह का आवरण है, जो कसायों का आवरण है, जो लोभ का आवरण है, उसको हमें धोना पड़ेगा, उसका एक छिलका उतारना पड़ेगा, और उसके बाद भी त्याग रूपी जल से उसे पवित्र करना पड़ेगा। क्योंकि सोना जब बाजार में बिकने के काम आता है, सोने का मूल्य जब आता है सच, जबकि वह अपने कीट कालिमा जो बहुत काल से उसके साथ थी, एक मेक हो रखी थी, लेकिन उसे छोड़ देता है तो कसौटी के माध्यम से उसे पूर्ण छोड़ देता है तो सोना शुद्ध हो जाता है और उसकी कीमत हो जाती है। इसी प्रकार से हीरा कोयले की खान में रहता है, लेकिन कोयले के साथ हीरा हीरा नहीं कहलाता है। जब कोयले का विसर्जन कर देता है, कोयले को छोड़ देता है, तब हीरा हीरा हो जाता है। इसी प्रकार से मनुष्य जन्म भी जब सार्थक है, जब अपने जीवन को किस तरफ ले जाता है। कुंद स्वामी ने रैण सार में बहुत अच्छी बात कही है कि पुई फल लेने ती लोक के सुर पुज्जो हवई शुद्ध मणो, दान फल लेने ती लोक के सार सुहम भुंज देनी दम। कहते हैं कि पूजा के फल से तीन लोक के सर्वश्रेष्ठ आपको फल प्राप्त होते, तीन लोक के सबसे ज्यादा अच्छे फल। आदमी क्या चाहता है कि अच्छा परिवार हो, आदमी चाहता है बढ़िया परिवार हो, सम्मान हो, स्वास्थ्य शरीर ठीक रहे और स्थायी सुख मिले। किराए के मकान में लोग क्यों रहना पसंद नहीं करते हैं? क्योंकि किराए का मकान बदलना पड़ेगा। लोग किराए की गाड़ी क्यों पसंद नहीं करते हैं? क्योंकि मन मर्जी से आपके हुकूमत के अनुसार नहीं आएगी। लेकिन क्या बात है, किराए का मकान पसंद नहीं करते हैं, किराए की गाड़ी पसंद नहीं करते हैं, और नौकर अस्थाई पसंद नहीं करते हैं, फिर भी अपने आप को जीवन में हर जगह हमने अस्थायीता बना रखी है। बार बार वही तन बदलना, मन बदलना, शरीर बदलना, रिश्ते बदलना, पूरी जिंदगी भर दौड़ना और बाद में छोड़ के मर जाना, कितनी तड़प होती है। इसलिए हमारे आचार्यों ने कहा, यदि चाहते हो कि आपको तीन लोक के सर्वश्रेष्ठ पूज्यता प्राप्त हो, क्योंकि जो जितना जितना उठता जाता है उतना उतना पूज्य हो जाता है। इंच भी यदि सम्यक दर्शन धारण कर लेता है
तो कह दिया कि देवताओं के द्वारा पूज्य हो जाता है। क्यों पूज्य हो जाता है? क्योंकि उसकी आत्मा सुंदर हो जाती है, उसकी आत्मा कीमती हो जाती है, उसे जो कुछ पाना था वो सच्चा धन पा लेता है। क्योंकि कहा है कि सम्यक्त के समान धन नहीं है, सम्यक्त के समान श्रेष्ठ वस्तु नहीं है और मिथ्यात के समान निकृष्ट वस्तु नहीं है। वो सम्यक्त और मिथ्यात क्या है? जब आदमी का विचार बदल जाता है, सोचने का जरिया बदल जाता है, जब आदमी चिंता में जीता है तो मिथ्या दृष्टि है, चिंता में जीता है तो समझ लो अपने आप को नाली का कीड़ा बना रहा है, और जब चिंतन में जीता है तो स्वर्ग का अधिष्ठाता बना रहा है, स्वर्ग में रह रहा है। कभी आपने देखा होगा जब घर में बहुत प्यार का माहौल होता है तो मिलने वाले क्या कहते हैं, घर है, स्वर्ग है, जन्नत है। लेकिन जब आपसी तकरार हो जाती है, झगड़ा हो जाता है, वैमनस्य हो जाता है, ईर्ष्या हो जाती है, कलेश हो जाता है, तो लोग कहते घर है, नरक है। क्यों क्यों नरक हो जाता है? स्वर्ग सा घर नरक क्यों हो जाता है? जब विपरीतताएं, जब वैमनस्य कलुषताएं, हमारी दुर्भावनाएं हम पर हावी हो जाती हैं तो वही नरक हो जाता है, और सद्भावनाएं हमारे साथ हो जाती हैं तो वही स्वर्ग हो जाता है। लेकिन आचार्यों ने कहा है जितना जितना छोड़ोगे उतने उतने पावन हो जाओगे। बादल को आपने देखा है, बादल में जब तक पानी होता है तब तक बादल का मुंह काला हो जाता है, और जैसे ही बादल अपना पानी विसर्जित कर देता है वैसे स्वच्छ निर्मल हो जाता है। यदि कुएं से पानी नहीं निकलता है तो कुएं में भी बदबू आने लगती है, लेकिन पानी निकले तो पानी रोज ताजा आ जाता है। इसी प्रकार से परमात्मा ने जो हमें परमात्मा की भक्ति, आराधना, उपासना, साधुओं की सेवा से जो कुछ मिला है उसको हमें जोड़ जोड़ के नहीं रखना है, उसे सही जगह उपयोग करना है। क्योंकि पानी जहर की गोली के गटकने में भी काम आता है और पानी आपको दवाई की गोली खाने के भी काम आता है। एक गोली खा लें तो मर जाओगे और एक गोली खा ले तो रोग से मुक्त हो जाओगे। इसीलिए हमारे आचार्यों ने कहा कि यदि तुम चाहते हो यहाँ के भोग कितने दिन भोगोगे, यदि 100 साल जीते हो तो कम से कम तुम्हारे 25 से 30 साल का समय सोने में गुजर जाता है, बाकी समय चिंता में, पढ़ने में, लिखने में, ऑफिस जाने में और कामों में निपट जाता है, और थोड़ा सा मात्र समय मिलता है और उसमें भी इतनी टेंशन है आदमी ने पाल रखी हैं, वे वजह कोई रिश्ते आज प्यार के नहीं रहे, प्यार के रिश्ते बेकार हो गए हैं। क्योंकि कहते हैं प्यार के रिश्ते दुश्मनी में, तकरार में बदल गए हैं, और पंख लगा कर कौआ भी मोर हो गए हैं। भरोसे के रिश्ते कमजोर हो गए हैं, भरोसे के रिश्ते कमजोर हो गए हैं, पंख लगा कर कौआ भी मोर हो गए हैं। हैरत है बदलते जमाने को देखकर, हैरत है बदलते जमाने को देखकर कि अब तो पहरेदार भी चोर हो गए हैं, अब तो पहरेदार भी चोर हो गए हैं। यानी आजकल इंसान के अंदर जो सत्य की, अहिंसा की बातें करता है, मंदिर में बैठकर जय जय नाथ परम गुरु होए, बाहर जाके वही शुरू होए। मंदिर में आता तो कहता है मेरी तो से बनी ताते करो पुकार, लेकिन कितनी पुकार है, कितनी सच्ची पुकार है, कभी आपने विचार किया? आपकी पुकार तो सिर्फ जुबान से होती है, बाकी मांगते वही हो जो भगवान नहीं दे सकते हैं। क्यों देंगे? अपने बच्चों को जहर देंगे क्या? अपने बच्चों को दुख तकलीफ देंगे क्या? हाँ ये जरूर है कि जो तुम मांगते हो वो नहीं मिलता है, और बिन मांगे सब कुछ मिल जाता है। क्योंकि धर्म सिर्फ इतनी सी बात है, धर्म कोई बहुत क्रिया कांड, पहाड़ों पे खड़े हो जाना, इसका नाम धर्म नहीं है। धर्म है अपनी मनोवृत्तियों को बदल देना, अपनी दौड़ को समाप्त कर देना, अपनी यात्रा को विराम दे देना, अपने घर पहुंच जाना। एक फकीर बैठा हुआ था अपने झोंपड़े में, उधर से 2 लोग आए और कहने लगे कि हमें इस राजा के महल में जाना है, वो महल कितनी दूर है? फकीर ने कहा कि तुम धीरे धीरे चलोगे तो पहुंच जाओगे, और यदि तेज चलोगे तो नहीं पहुंच पाओगे। शाम का समय था, उन लोगों ने कहा हमें महल में पहुंचना है, तुम कैसे पागल नजर आते हो? अरे जल्दी चलने से तो सब लोग पहुंच जाते हैं, तुम कहते हो धीरे धीरे चलोगे तो पहुंच जाओगे, पहुंचे ही हो, वहीं खड़े हो, और तेज चलोगे तो नहीं पहुंच पाओगे। और कहते वो लोग कहने लगे इस फकीर का तो दिमाग खराब है, इससे पूछा कुछ उल्टा बताता है, कहता है चलोगे तो नहीं पहुंचोगे और बैठ जाओगे, रुके रहोगे, धीरे चलोगे तो पहुंच जाओगे। और कहते हैं वो दोनों कहने लगे इसको बोलने दो, अपन को जल्दी चलना है, संध्या होने के पहले अपने महल में पहुंच जाना, प्रवेश कर जाना है,
और तेज दौड़े। थोड़ा सा अंधेरा सा हो गया था, अचानक उस बूढ़े व्यक्ति के पैर में ठोकर लगी और दोनों आपस में बैठे एक दूसरे की पट्टियां कर रहे थे। खून बह रहा था, उसे सिर से बांध रहा था। उधर से वो फकीर गुजरा और उन लोगों ने कहा कि तुमने तो बोला था कि हम पहुंच जाएंगे, हम तो पहुंचे नहीं। उसने कहा हमने कहा था धीरे चलोगे तो पहुंच जाओगे, हमने कहा था तेज चलोगे तो नहीं पहुंच पाओगे, और पहुंचने की जरूरत ही नहीं थी, तुम वहीं खड़े थे, महल के पिछवाड़े में खड़े थे, सिर्फ तुम्हें मुंह बदलना था, तुम उसी के आंगन में खड़े थे, मैंने कहा था धीरे चलोगे तो मुख्य द्वार तक पहुंच जाओगे, तुमने तेजी की इसलिए तुम्हारे पैरों में कंकड़ लगे, ठोकर लग गए, तुम लहूलुहान हो गए, और अब तुम कहते हो कि मैंने गलत कहा था, तुम हमें गलत समझते हो। और कहते हैं कि उन्हें समझ में आ गया कि दौड़े थे लेकिन विपरीत दिशा में दौड़े थे, और जितना जितना हम दौड़ेंगे उतने अपने आप से दूर होते जाएंगे। धर्म की शुरुआत भी अपने अंदर है, जो कुछ हम हैं इसे स्वीकार करें, जो कुछ हम हैं इन परिस्थितियों को पुरस्कार बनाएं, और जिस जगह हैं उसमें आनंद लें, उसमें आंदोलित हों। आज हम दूसरों के सुख में खुशी नहीं होते हैं, आज हमें पूजा उपासना तो ऐसी लगती है जैसे कोई मजबूरी का नाम हो। पूजा आप एक घंटा करते हैं, एक घंटा भी नहीं करते ढंग से, और एक घंटा भी करते तो घड़ी देखते हैं कितनी पूजाएं निपटाना, और पिक्चर में 3 घंटे का सीरियल हो, पिक्चर हो तो आंखें फाड़ फाड़ कर देखते हो, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी करके बैठते हो। अब बताओ तुम्हारा परमात्मा से प्रेम है क्या? तुम्हारा यही प्रेम तुम्हें परमात्मा से मिलाएगा क्या? तुम लोग भगवान के नाम से चाट भंडार खोले हुए, वस्त्रालय खोले हुए हो, और ना जाने क्या क्या आज घर घर कत्ल खाने हो गए। आप कहेंगे कैसे हो गए? ऑल आउट लगाने लगे, कीड़े मारने की दवाइयां छिड़कने लगे, और ना जाने किन किन चीजों का सफाई के लिए प्रयोग करने लगे। अत्रस जीवों का घात होता है, जबकि कहा अत्रस हिंसा को त्याग, वृथा थावर न संगारे। सच्चा श्रावक होता है, सच्चा श्रावक कौन होता है? जो श्रद्धावान हो, विवेकवान हो, क्रियावान हो। आज आदमी की श्रद्धा मिट गई है, एक डॉक्टर पर श्रद्धा है, वकील पर श्रद्धा है, और कहते हैं मास्टर पर श्रद्धा है, धोबी पर श्रद्धा है, लेकिन परमात्मा पर श्रद्धा नहीं है। परमात्मा से तो हम सिर्फ हमारा इतना नाता है कि अपना काम पड़ता है तो चले जाते हैं, बच्चे पेपर के टाइम में जाते हैं, और कोई अपराधी मुक्त होने के लिए जाता है, और अफसर अपनी ड्यूटी पर जाता है तब जाता है, नौकरी के लिए जाता है, और हर आदमी रोगी जब जाता है, जब रोग ज़्यादा चरम सीमा पर बढ़ जाता है। अरे परमात्मा के दरवाजे पर रोज जाओगे, उनकी पूजा और आराधना करोगे, जिसके प्रति जो होना हो वैसी आराधना करने लगते हैं। आप वकील के पास जाना हो, आपको वकालत करना हो, लॉ करना हो, तो क्या करते हैं? वकील के अंडर में प्रैक्टिस करते हैं। सीए बनना हो तो सीए के अंडर में प्रैक्टिस करते हैं। आपको कुछ भी करना हो, जो बनना हो, उसके अंडर में प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन आपने अरिहंत के चरणों में कभी जाकर उनके गुणों को देखा है? आपने तो ये देखा है, यदि गए भी हो तो पूजा इसकी की है, कितनी बड़ी प्रतिमा है, कितने फुट की प्रतिमा है, जितने फुट की प्रतिमा है उतनी बड़ी लगती है आपको। अरे परमात्मा तो चाहे 3.5 हाथ के हों, चाहे 500 सवा 500 धनुष के हों, लेकिन परमात्मा की देह तो यहीं रह जाती है, वो तो विगत देह हो जाते हैं, और वो विगत देह होकर भी उनके गुण तो वैसे ही के वैसे हैं। आज हम मंदिरों में, ये मेरा मंदिर है, वो तेरा मंदिर है, इसमें मैं दान दूंगा, उसमें दान नहीं दूंगा, अरे मंदिर है तो परमात्मा तो अरिहंत तो एक है, पार्श्वनाथ एक है, आदिनाथ एक है, और सच पूछो अब तो वो भी नहीं रहे। जब तक इस देह से युक्त थे तब तक वो नाम थे, लेकिन अब तो वो सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं, और जब सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं तो हम बार बार कहते भगवान क्या देना मुझे, कि दुखों का क्षय हो, कर्मों का क्षय हो, बोधि की प्राप्ति हो, समाधि की प्राप्ति हो, और सुगति में गमन हो, समाधि मरण हो, क्योंकि पता है एक बार समाधि मरण हो जाए तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के दुख मिट जाएंगे। मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है, सृष्टि मंगलम बन के संगठन देता यह पैगाम है, संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है, सृष्टि भूषण
जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। सृष्टि भूषण जी की प्रेरणा का ये शुभ परिणाम है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। जो सदा संकल्पित है, वर्षों से संकल्पित है, आदिनाथ सृष्टि आदर्श सेवा समिति संचालित है, सेवा समिति संचालित है। सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित, सम्मेद शिखर में शोभित साधु सेवा में समर्पित। करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है, दूर करे साधकों की चर्या में जो भी व्यवधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। संघ चतुर्विध की सेवा श्रावक का धर्म प्रधान है। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाते में जमा करा सकते हैं। अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अकाउंट नंबर 3840262185, IFS कोड SBIN 0000631, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम फाउंडेशन, बैंक ICICI बैंक, अकाउंट नंबर 02500500528, IFS कोड ICICI 0000250। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री पुष्प कुमार रारा, श्रीमती पुष्पा देवी रारा, श्री विकास रारा, जया रारा, श्री ऋषभ रारा, प्रियांशी रारा, मंजुश्री पोना बाजार इम्फाल मणिपुर, स्वर्गीय बाबूजी डॉक्टर श्री लाजपत राय जी जैन सपरिवार जंगपुरा दिल्ली, श्रीमती सुधा जैन धर्म पत्नी श्री आनंद जैन जी C-130 पुष्पांजलि एनक्लेव दिल्ली, श्री ओम प्रकाश सरावगी पौत्र अभिषेक ऋषभ अभिनंदन सरावगी निवासी सिलीगुड़ी पश्चिम बंगाल,